तो दोस्तों कुलदरा की पूरी स्टोरी अगर आपको जाननी है तो मिलते हैं यहाँ के लोकल नागरिक से और देखते हैं इनके क्या विचार है। तो क्या बता रहे हैं आप सर? इस गांव का नाम है कुलदरा। यहाँ पर पालीवाल ब्राह्मणों ने बसाया था। वहाँ पर आगे एक मंदिर है श्री कृष्ण भगवान का। उसमें मुखिया की लड़की पूजा कर रही थी रुक्मिणी नाम की। फिर जैसलमेर राजा का दीवान आया और लड़की से बोला, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। लड़की ने कहा, हमारे पिताजी से पूछो। उस समय सलम साहब सैनिक थी, कही ये पता लगाओ ये किसकी लड़की है। पता लगाया मुखिया की लड़की है। फिर मुखिया से कहा, मैं तुम्हारी लड़की से शादी करना चाहता हूँ। मुखिया बोला कि तुम मांस मछली दारू वगैरह आदि का सेवन करते हो, हम लड़की कभी नहीं देंगे। नहीं दी तो मैं रात को उठा जाऊंगा। रात को मत उठा जाना, हमारी इज्जत चली जाएगी। हमें कुछ सोचने का वक्त दो, 4 दिन की मोहलत देता हूँ, ठीक है? फिर 4 दिनों ज्यादा हफ्ता से उगर करने लगा, परेशान करने लगा, खेती बाड़ी नहीं करने देता था। फिर मुखिया ने परेशान होकर कहा, हम ये गांव खाली कर देते हैं। फिर इन गांव वालों ने कहा, हम ये अकेला फैसला कभी नहीं करेंगे, हमारे चुयासी भाइयों को बताना पड़ेगा, ठीक है? फिर जैसलमेर के एरिया में पाली वालों के 84 गांव थे। उन्होंने मीटिंग बुलाई, कहा जैसी बात हो रही है, एक दिन मेरी लड़की उठाएगा, कल तुम्हारी, इतनी कर हम सलीम सिंह को कितनी लड़कियां देंगे। लड़की तो कभी नहीं देंगे, गांव खाली कर देंगे। इन गांव वालों ने कहा, हम ये अकेला फैसला कभी नहीं करेंगे, हमारे 84 भाई है, उन्हें बताना पड़ेगा, ठीक है? फिर जैसलमेर के एरिया में पाली वालों के 84 गांव थे। उन्होंने मीटिंग बुलाई, कहा जैसी बात हो रही है, एक दिन मेरी लड़की उठाएगा, कल तुम्हारी, इतनी कर हम सलीम सिंह को कितनी लड़कियां देंगे। कल लड़की तो कभी नहीं देंगे, गांव खाली कर देंगे, ठीक है? एक ही रात में 84 गांव खाली कर दिया। उस समय जो बुड्ढे नहीं चल पा रहे थे, उन्होंने जाते समय शराब दिया। काम यहाँ चैन से नहीं रह पाए, यहाँ जो भी रहेगा उसकी फैमिली दुख में रहेगी, कभी सुख नहीं आएगी। और यहाँ चले गए पाली, और यहाँ कहते भूत भूत कुछ नहीं, ऐसे टूरिस्टों को बुलाने के लिए बोल रहे भूत है। आज से इंसान से बड़ा कौन भूत है? रात को दारू पीने वाले आते हैं, वही भूत बन जाते हैं। यही कहानी बस। वाह वाह भाई साहब, बहुत खूब बहुत खूब।